एक बिहारी सब पर भारी, बिहारी पढ़ते बहुत हैं, बिहारी सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं, लेकिन इसमें न तो बिहार के स्कूलों का कोई योगदान और न ही बिहार के कॉलेजों का। इनसे मिलिए, ये हैं पटना की इसिता किशोर। ये 2022 यूपीएससी की नेशनल टॉपर हैं, लेकिन पटना समझकर धोखा मत खाइएगा, क्योंकि इनकी पढ़ाई दिल्ली से हुई है। ये ऐसी अकेली नहीं है, अब इनसे मिलिए। ये है बक्सर की गरिमा लोहिया। इन्होंने यूपीएससी में दूसरा रैंक लाया है, लेकिन इनकी पढ़ाई भी दिल्ली से हुई है। यूपीएससी में दसवां रैंक लाने वाले राहुल श्रीवास्तव भी मुजफ्फरपुर के ही हैं। बाकी सब की तरह इनकी पढ़ाई भी बिहार में नहीं हुई, बल्कि बाहर यानी तमिलनाडु से हुई है। बिहार के स्कूल और कॉलेज न तो खुद बढ़ रहे हैं और न बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिहार के कॉलेज की हकीकत केंद्र सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग से पता चलती है। 2023 की रैंकिंग के अनुसार भारत के टॉप 100 कॉलेजों में बिहार के केवल 5 ही कॉलेज हैं, लेकिन सुशासन बाबू तो कुछ और ही कहते हैं। हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास में कितना काम किया, कितना लोग पढ़ता था, लड़की बच्ची कहाँ पढ़ती थी, पांचवा के बाद गरीब लोग पढ़ा नहीं पाता था, तो हमने पोशाक की योजना, साइकिल योजना, असर कितने बड़े पैमाने पर, हम लड़का लड़की बराबर। आज पता चला कि सबसे पीछे है 12.5%, वो अनुसूचित जाति के और मुस्लिम समुदाय के, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू करके उनको पढ़ाने का काम किया। लड़कियां जब पढ़ेंगी तभी जो ही प्रश्न दर कितना बढ़ा हुआ था, 4.3, अब जो राज्यपाल जी अब उसी को पढ़ाने से अब प्रश्न दर 4.3 से घटके 2.9 पर आ गया है। बिहार की जनता की आवाज बन चुके प्रशांत किशोर की बात सुनकर आप खुद ही देख लीजिए कि सच्चाई क्या है। बच्चा तो पढ़ने जा रहा है तो पढ़ाई हो ये नहीं रहा है, खिचड़ी खा के घर आ रहा है। और आप में से जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको इससे क्या मतलब है, तो आपके लिए बता रहे हैं, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना है। और सरकारी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। कॉलेज में गया, नाम लिखाया, परीक्षा दिया, चोरी वोरी करके 5 वर्ष में डिग्री लेके चला आया। तो पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है, कॉलेज में डिग्री बटा रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो मजदूर नहीं बनेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनेंगे, इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है। इस गरीब बिहार में, इसको याद रखिएगा आगे के लिए, इस गरीब बिहार में हर साल आपका हमारा 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है बच्चों के पढ़ाने पर, और पूरा का पूरा इतना भ्रष्टाचार, इतना कुव्यवस्था है कि 40 बच्चा भी पढ़ के नहीं निकल रहा है। पढ़ाई की सुविधा यहाँ है ये नहीं। शून्य की खोज करने वाले बिहार के आर्यभट्ट ने कभी नहीं सोचा होगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था उनके जीरो को इतने सीरियसली ले लेंगे, खुद को ही जीरो कर लेंगे।